जो भी हमारा टॉपिक हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये है मीडियन। मीडियन जो है बेसिकली ये भी मेजर ऑफ लोकेशन का एक टूल है कि हम मीडियन के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो डेटा की चूज करते हैं। जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन में एक स्पेसिफिक लोकेशन हमने चूज की, जिसको हमने कहा कि अरिथमेटिक मीन जो है वो एक बैलेंस हमें वैल्यू बताता है। बैलेंस अरिथमेटिक मीन की जो भी वैल्यू होती है उसकी हाफ वैल्यूज राइट साइड पे होती है, हाफ वैल्यूज लेफ्ट साइड पे होती है। वो उसकी जो मिडिल पॉइंट नहीं है वैल्यूज का, लेकिन वो डेटा जो भी हमारा जो हमारा मीन होता है, मीन बेसिकली जो है वो एक आप समझ लें कि एक तराजू की तरह है। जो तराजू का एक मिड पॉइंट होता है, जहाँ पे तराजू जो है वो बैलेंस करता है दो चीज़ों को, दो चीज़ों के वजन को। तो इस तरह से वो थी मेजर ऑफ लोकेशन। तो ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मीडियन, ये भी मेजर ऑफ लोकेशन है। लेकिन इस मेजर ऑफ लोकेशन में हम कोई बैलेंस पॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, हम फाइंड करेंगे सिर्फ मिड पॉइंट डेटा का। जो भी हमने अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया कि ये हमें मिड पॉइंट शो करता है, बिल्कुल ठीक बताया। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो डेटा जो है वो उसके अंदर जो है दोनों तरह की हमारे सामने चीज़ें आती हैं, कि डेटा के अंदर हम जो है लार्ज वैल्यूज भी देखते हैं, डेटा के अंदर हम स्मॉल वैल्यूज भी ऑब्जर्व करते हैं। तो डेटा की स्मॉल और जो लार्ज वैल्यूज को जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उससे जो है हम देखते हैं कि एक मिनट जरा, ये तो डेटा के अंदर जो है लार्ज वैल्यूज भी होती हैं और स्मॉल वैल्यूज भी होती हैं, जबकि अरिथमेटिक मीन जो है वो लार्ज और स्मॉल वैल्यूज को जो है उसका एक हमें बैलेंस पॉइंट हमें शो करता है। जबकि जो मीडियन है ये उससे ज़रा मुख्तलिफ है। मीडियन के अंदर हमें डेटा का मिड पॉइंट नज़र आता है। मिड पॉइंट मीन्स अगर 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज के अंदर जो 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 मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि मिड वाली वैल्यू। कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास इसको अगर हम डेफिनेशन इसकी हम डिस्कस करना चाहें मीडियन की, तो वो डेफिनेशन क्या है कि इट शोज द मिड पॉइंट ऑफ वैल्यूज आफ्टर दे हैव बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट। मीन्स अगर हम हमारे पास 100 वैल्यूज हैं, हम 100 वैल्यूज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें, तो हमारे पास ये क्या होगी, डेटा की अरेंजमेंट जिसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब जो 100 वैल्यूज हैं, उन 100 वैल्यूज में जो वैल्यू होगी हमारे पास 50, 51 वाली, जो 50th वैल्यू होगी या 51st वैल्यू होगी, वो उस 100 वैल्यूज का मिड पॉइंट होगा। क्योंकि उस 51 या 50 की जो है वो आगे भी उतनी ही वैल्यूज है जितनी उससे पीछे वैल्यूज हैं। तो नॉर्मली हमारे लिए जो अगर हो हमारे पास ऑड नंबर, तो वो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से मीडियन फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि डेटा ऊपर हमें दिया गया है कि इस डेटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो है जी ये ऊपर 60,000, 65,000, 70,000, 80,000 एंड 275,000। जी डेटा की वैल्यूज को अरेंज किया गया है। इससे पहले जब डेटा की वैल्यूज अनअरेंज थी, तो वो जाहिर बात है कोई बड़ी वैल्यू पहले हो सकती है या बाद में हो सकती है। तो जो हमारे पास ये वैल्यूज थी 60,000, 65,000, 70,000, 80,000, 275,000, नीचे अगर आप देखें तो ये इन प्राइसेस को अरेंज किया गया है फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू। 60,000 सबसे लो वैल्यू है, फिर 65,000 है, फिर 70,000 है, फिर 80,000 है, फिर 275,000 है। ये वैल्यूज फ्रॉम लो टू हाई अरेंज की गई है। ये वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इन्हीं वैल्यूज को हाई टू लो अरेंज करें, तो 275 सबसे पहले आएगा, फिर 80,000, 70,000, 65,000 एंड 60,000। तो इस तरह से हमने इन वैल्यूज को जो है फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो अरेंज किया है। तो अब यहाँ से अगर हम इन वैल्यूज का निकालें मिड पॉइंट, तो ये टोटल 7 वैल्यूज हैं। ये टोटल कितनी वैल्यूज है, 7। इन 7 वैल्यूज का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास जो है वो हम देख सकते हैं कि ये 7 वैल्यूज, 7 का मिड पॉइंट क्या होगा, ये 5 वैल्यूज हैं। तो इन 5 वैल्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा, 3rd वैल्यू। 3rd वैल्यू है वो मिड पॉइंट होगा। मीन्स 3rd वैल्यू से आगे भी 2 वैल्यूज हैं और 3rd वैल्यू से पीछे भी 2 वैल्यूज हैं। तो बेसिकली जो जो मीडियन है ये सिर्फ हमें मिड वैल्यू को शो करता है कि डेटा की मिडिल वैल्यू कौन सी है। जिसका हमने इन 5 वैल्यूज में से कहा जो 3rd नंबर पे वैल्यू आ रही है वो मिडिल वैल्यू है डेटा की। तो
तो अब जो है इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या है मीडियन की, कि मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि हम देख रहे थे अरिथमेटिक मीन, कि अरिथमेटिक मीन जो है वो लो एंड हाई वैल्यू से इफेक्ट होता था, जबकि मीडियन जो है वो लो एंड हाई वैल्यू से या एक्सट्रीम वैल्यूज अगर हम कह लें उससे इफेक्ट नहीं होता। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि उसमें ये 275 एक जो है एक्सट्रीम वैल्यू है, तो मीडियन की वैल्यू जो है वही है जो थर्ड नंबर पे आ रही है। तो क्योंकि मीडियन की वैल्यू ने सिर्फ एक लोकेशन को मेजर करना है, मीडियन की वैल्यू ने एक लोकेशन को मेजर करना है, जो लोकेशन की वैल्यू किस लोकेशन पे आ रही है, थर्ड नंबर पे। हम आगे अगर नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमें एक एग्जाम्पल दी गई है। इस एग्जाम्पल में कुछ वैल्यूज हैं 3, 5, 7, 5, 9, 1, 3, 9, 17, 10। इससे मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या जरूरी है कि इससे मीडियन फाइंड करने के लिए हम जो है ये एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल में कुछ वैल्यूज हैं 3, 5, 7, 5, 9, 1, 3, 9, 17 और 10। ये जो वैल्यूज हैं अगर हम इनसे मीडियन फाइंड करना चाहें तो हमारे लिए मीडियन फाइंड करना इजी है, कि हम मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन तमाम वैल्यूज को फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू अरेंज करेंगे। जैसे 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 10, 17, ये यहाँ पे हमने इसको अरेंज कर लिया है। अभी हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं कितनी। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो यहाँ पे हमारे सामने शो हो रही है ये कितनी है जी, हम यहाँ पे देख सकते हैं ये तकरीबन 10 वैल्यूज हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे अगर हमें फाइंड करनी है मिडिल वैल्यू, अगर हमें फाइंड फाइंड करना है इस डेटा से मिडिल वैल्यू, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जी। इसके लिए हमें जो है देखना है कि चूंकि ये अब जो नंबर है हमारे पास ये ऑड नंबर नहीं है, मीन्स हमारे पास 10 वैल्यूज जो है वो है इवन नंबर। ऑड के अंदर तो हमें समझ आ रही है कि हम इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये वैल्यूज हैं तकरीबन 10, तो 10 वैल्यू से हमारे लिए मीडियम की वैल्यू फाइंड करना ईजी है। तो जब हमारे पास डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशंस ऑड नंबर्स में होंगी, मींस अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो 7 है, 9 है, 11 है, तो हमारे लिए ऑड नंबर फाइंड करना जो है वो इस तरह से होगा कि हम उसके अंदर जो है n+1 और डिवाइड बाय 2 करेंगे। जो फार्मूला होगा ऑड नंबर्स की मीडियन निकालने के लिए वो होगा n+1/2। मींस अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं 7, तो हम अगर फाइंड करना चाहें मीडियन वैल्यू, तो n है इज इक्वल टू 7, तो हम फाइंड कर सकते हैं 7+1 8, 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे वैल्यू होगी वो कहलाएगी हमारे पास मीडियन वैल्यू। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ऑड नंबर्स में हैं, जैसा यहाँ भी इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 10 है। जो 10 जो है वो क्या है, 10 हमारे पास जो है वो है 10 हमारे पास जो है उसे हम कह सकते हैं कि ये है एक इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए जब हमें कैलकुलेट करना है उसका मीडियन की वैल्यू इवन नंबर के लिए, तो अब ये 10 है जो कि इस 10 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5। तो अब इस इवन नंबर के लिए हम फिफ्थ वैल्यू प्लस उसके अंदर हम सिक्स वैल्यू को, दो वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। क्योंकि इस तरह से आप देखें कि इस दो वैल्यूज के राइट साइड पे भी 4 वैल्यूज हैं और लेफ्ट साइड पे भी 4 वैल्यूज हैं, तो दोनों साइड पे 4 वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे इसका मीडियन फाइंड करने के लिए, हम कहेंगे जी 5+7, हम 2 को ऐड करेंगे इन दो वैल्यूज को, 5 और 7 हम दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 12। और फिर हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस डेटा की मीडियन वैल्यू क्या होगी, 6। जो मीडियन वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि वो 6 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज जो है वो आ रही हैं 5 और 7, हमने इस दोनों को जो है वो ऐड करके 2 पे डिवाइड करके हमने इसकी मीडियन वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। मीडियन वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इवन और ऑड डेटा के लिए फॉर डिफरेंट मेथड यूज करते हुए। तो ये आपके लिए, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज, मीडियन की प्रॉपर्टीज क्या है, कि मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज।
कि मीडियन जो है वो स्मॉल या लार्ज वैल्यूज से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मीडियन जो है अगर 7 वैल्यूज है तो उस 7 वैल्यूज की जो मिडिल वैल्यू है, जिसे हम कहेंगे कि ये फोर्थ वैल्यू जो है मिडिल वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू जो स्मॉल हो या लार्ज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीडियन जो है डेटा की वो मिडिल वैल्यू ही कहलाएगी, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो। तो मीडियन जो है वो लार्ज वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा जो है मीडियन जो है ये हम ऑर्डिनल लेवल डेटा के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। मीडियन हम ऑर्डिनल लेवल डेटा के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डिनल लेवल डेटा को हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, के ऑर्डिनल लेवल डेटा कौन सा होता है, तो हम इसको उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं मीडियन को। जी हमने अभी डिस्कस किया मीडियन, मीडियन की प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे कि मीडियन जो है वो लार्ज या स्मॉल वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। मीडियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ऑर्डिनल लेवल डेटा, लेकिन हम मीडियन जो है वो नॉमिनल लेवल डेटा के लिए फाइंड नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि जो नॉमिनल लेवल डेटा पे मेजरमेंट होती है वेरिएबल्स की, हम नॉमिनल लेवल डेटा के वेरिएबल्स की मेजरमेंट के दौरान उसको अरेंज नहीं कर सकते किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में, जबकि जो ऑर्डिनल लेवल डेटा होता है उसके अंदर हम डेटा को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने ये कहा कि मीडियन जो है वो मेजर किया जा सकता है फॉर ऑर्डिनल लेवल डेटा बट नॉट फॉर नॉमिनल लेवल डेटा, क्योंकि अरेंजमेंट नॉमिनल लेवल डेटा की नहीं हो सकती। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है जी मॉड। अब मॉड क्या होता है? मॉड हम कहते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन द डेटा, डेटा के अंदर जो वैल्यूज बार बार आ रही होती हैं हम उसे कहते हैं कि ये डेटा का मॉड है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही होती हैं। तो ये जो है मॉड, ये हम नॉमिनल लेवल डेटा के लिए भी मॉड हम मेजर कर सकते हैं। मीडियन और मॉड में ये थोड़ा डिफरेंस है। ये जो मॉड है ये भी मेजर ऑफ लोकेशन की ही एक टूल है कि हम मॉड के थ्रू भी मेजर ऑफ लोकेशन करते हैं, हम डेटा के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन को मेजर करते हैं थ्रू मॉड। तो इसके अंदर जो है हम जो यूज़ करते हैं डेटा वो होता है नॉमिनल लेवल का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनल लेवल का भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरवल भी यूज़ कर सकते हैं, और रेशियो लेवल डेटा भी हम मॉड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डेटा के अंदर वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही हैं वो उस डेटा का मॉड कहलाएगा, मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन दी डेटा। जैसे ये एक ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है, एक इस ग्राफ में देखें तो जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज, ये कुछ हमारे पास ये कैटेगरीज हैं जैसे एमोर, लेमोर, सूदिंग, स्मेल नाइस, फार आउट, ये कुछ कैटेगरीज हैं हमारे पास। इन कैटेगरीज में अगर हम देखें तो इन कैटेगरीज के अंदर फिर कुछ फ्रीक्वेंसीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, कि जो एमोर है इसकी एक फ्रीक्वेंसी है ये ग्रीन कलर से हमें शो हो रही है बार चार्ट से, जो सबसे हाईएस्ट जो बार चार्ट है वो है लेमोर का। ये लेमोर जो है ये इसका इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स कि लेमोर जो है इसकी वैल्यूज डेटा में सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी। तो इस डेटा का मॉड क्या होगा? इसके इस डेटा का मॉड होगा लेमोर। ये जो लेमोर है ये इस डेटा का मॉड होगा। मॉड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये डेटा के अंदर वैल्यू सबसे ज़्यादा जो फॉल कर रही होंगी, मोस्ट अकरिंग वैल्यूज इन द डेटा या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज इन द डेटा आर कॉल्ड इज कॉल्ड जो है मॉड। तो हमने ये जो ग्राफ शो किया ये है फॉर क्वालिटेटिव डेटा। तो ये क्वालिटेटिव डेटा जो है जिसकी मेजरमेंट हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल लेवल, ये नॉमिनल लेवल पे उसे मेजर किया गया है क्वालिटेटिव डेटा को। तो इसमें मॉड हमारे पास क्या है? लेमोर। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें एग्जाम्पल की तरफ, इस एग्जाम्पल में एक हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा दिया गया है। क्वांटिटेटिव डेटा इस एग्जाम्पल में वो डेटा की ये वैल्यूज हमारे सामने हैं कि जी 11, 4, 10, 4, 9 और ये इस तरह से। अब हमारे पास जितनी वैल्यूज थी हमने उसकी बनाई एक डिफरेंट क्लासेस, हमने सिंपल क्लासेस बनाई कि ये वैल्यूज जो है कौन कौन सी थी, कितनी कितनी दफ़ा आ रही थी, हमने उसके आगे लिख लिया उसकी फ्रीक्वेंसी, हमने उसके आगे लिख ली, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस डेटा में 1 जो है वो 8 टाइम्स आया है। ये देखें, 1 1 टाइम आया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 टाइम्स जो है यहाँ पे आया है 1। इसको बनाने के लिए भी आप जो है फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ कर सकते हैं, टैली टैली मेथड यूज़ करके हम ये टेबल बना सकते हैं मॉड कैलकुलेट करने के लिए। टैली टैली मेथड जो है यूज़ करते हुए हम ये मॉड यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा आप देखें
ये जो है ये 1 जो है 8 टाइम्स आया, 2 जो है 7 टाइम्स आया, इस तरह हमारे सामने ये सारी वैल्यूज की वो दी गई है फ्रीक्वेंसी। तो अब इस डेटा में 1 जो है सबसे ज्यादा टाइम आया, जो 1 जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा टाइम्स आई, 8 टाइम्स आई है, बाकी वैल्यूज है इससे कम उसमें जो आई है। तो अब इस डेटा का अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताएं कि व्हाट इज मॉड, तो आप जो है व्हाट इज द मॉडल डिस्टेंस या मॉड जो है ये दे कैलकुलेट करना चाह रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इस डेटा का मॉड क्या होगा, 1, क्योंकि 1 जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देखें, ये उसमें सोल्यूशन में भी लिखा हुआ है, द मॉडल डिस्टेंस बिटवीन एग्जिट्स इज 1 माइल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर डेटा के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मॉड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज इन द डेटा जो है वो कहलाती है मॉड, जिस हमने इस एग्जाम्पल में यहाँ पर देखा। हम आगे मजीद मूव करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट हमें यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस हमें बताए गए हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं मॉड के वो क्या हो सकते हैं, कि ये पहले ये पढ़ लेते हैं। वी कैन डिटरमिन द मॉड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डेटा, जिसे हमने डिस्कस किया कि मॉड जो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल, तमाम डेटा के लिए मॉड कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो है मॉड के जो एडवांटेजेस वो ये है कि मॉड लो और एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। अगर डेटा के अंदर बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है या बहुत लो वैल्यू है तो मॉड की वैल्यू उससे इफेक्ट नहीं होगी, एक्सट्रीम या लो वैल्यू से इफेक्ट नहीं होगी। तो अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, कि जाहिर बात है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे मॉड के, हम वो ज़रा देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस में हम कह सकते हैं कि मॉड का डिसएडवांटेज क्या है, कि सबसे पहला डिसएडवांटेज मॉड का ये है कि मॉड जो है वो कुछ वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं भी करता। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि मैं एक डेटा सेट आपको यहाँ पे अभी बोलता हूँ कि वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैल्यूज मैंने बोली। अब देखें, 1 भी 1 टाइम आया, 2 भी 1 टाइम आया, 3 भी 1 टाइम आया, 4 भी 1 टाइम आया और 5 भी 1 टाइम आया। तो इस डेटा का मैं अगर आपसे पूछूँ कि मॉड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इस डेटा के अंदर कोई भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू नहीं है, तो इस डेटा का मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसका डिसएडवांटेज है मॉड का। इसका एक और डिसएडवांटेज हो सकता है कि एक ही डेटा के लिए मॉड जो है, मॉड की वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9। अब इस डेटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज जो हैं वो दो दो दफ़ा आ रही हैं, और 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो दो दफ़ा आ रही हैं। तो अब इस डेटा के लिए जो मॉड है वो 1 नहीं होगा, मॉड की वैल्यूज एक से ज़्यादा होंगी। तो इसी तरह अब आगे अगर हम देखें, ये है मॉड के डिसएडवांटेजेस। ये नेक्स्ट जो है एक सेल्फ रिव्यू क्वेश्चन हमें यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें वो कहता है सैम्पल ऑफ सिंगल पर्सन इन, ये कुछ जगह है, रिवील दीज मंथली बेनिफिट्स 8525985801314137496087811301. अब इस डेटा में अगर आप देखें कौन सी वैल्यू ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, वो कहता है ये व्हाट इज़ अ मीडियन मंथली बेनिफिट, हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारा मीडियन वैल्यू आ जाएगी। फिर वो कहता है जी हाउ मैनी ऑब्जर्वेशन आर बिलो दी मीडियन एंड अबव इट। अगर हम इस डेटा को अरेंज करें तो ये इसकी अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, 598, नहीं पहले आएगा 580, फिर आएगा 598, इसके बाद आएगा 852, इसके बाद आएगा 878, फिर आएगा 960, फिर वैल्यू आएगी 1130, फिर अरेंजमेंट में वैल्यू आएगी आखिरी 1374। अब वो कहता है कि जी हाउ मैनी ऑब्जर्वेशन आर बिलो द मीडियन एंड अबव इट, जारी बात है जो मिड पॉइंट, कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज हैं। तो 7 वैल्यूज का अगर आप यहाँ पे अरेंज करने के बाद जो फोर्थ वैल्यू आएगी अरेंज करने के बाद, वो होगी इस डेटा का मिड पॉइंट। तो उससे आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिड पॉइंट कौन सी वैल्यू आएगी अरेंज करने के बाद। देखें, पहली वैल्यू 580 आई, सेकंड वैल्यू 598 आई, थर्ड वैल्यू जो है वो आई 5852, फोर्थ वैल्यू आई 878। तो 878 इस डेटा का क्या होगा, मीडियन। ठीक है, इस मीडियन से राइट साइड पे भी इस मीडियन से अबव वैल्यूज भी 3 होंगी, इस मीडियन से जो बिलो वैल्यूज हैं वो भी
थ्री होंगी, क्योंकि दरमियान में फोर्थ वाली जो है वो मीडियन है। अच्छा नेक्स्ट वो कहता है जी नंबर ऑफ वर्क, ये नेक्स्ट है सेल्फ रिव्यू, उसमें वो कहता है कि जी 6, 0, 10, 14, 8, 0, ये एक जो है हमारे पास डेटा है। इसमें वो कहता है व्हाट इज द मीडियन नंबर ऑफ स्टॉप पेजेस, इसकी मीडियन नंबर क्या होगा। इसका मीडियन नंबर जो है हम इसको पहले अरेंज करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए, तो फिर हम इसका मीडियन जो है फाइंड फाइंड करने। अब वो कहता है कि व्हाट इज द मॉडल नंबर ऑफ वर्क स्टॉप पेजेस, इसका मॉडल नंबर क्या होगा। तो मॉडल नंबर फाइंड करने के लिए आपको हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है। 0 2 दफा आया है, 6 1 टाइम आया है, 10, 14 और 8 1 टाइम है। तो 0 जो है इस डेटा का क्या होगा, मॉडल नंबर, या ये कह लें कि मॉड वैल्यू इस डेटा की होगी 0। तो नेक्स्ट जो है ये आपके सामने एक्सरसाइज आ रही है, इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है ये मीडियन के बारे में भी है, और ये क्वेश्चन जो है ये मॉड की कैलकुलेशन के बारे में भी होंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ा इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं। ठीक है, तो ये आपको शो हो रही है आपके बुक बुक आपके पास है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपके पास जो है वो अवेलेबल हैं। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू मीन मीडियन और मॉड उसने निकाल के शो किया है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है जी रिलेटिव पोजीशंस ऑफ मीन मीडियन एंड मॉड। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना इस स्टेज पे। बेसिकली ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम आपने इसके अंदर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा की डिफरेंट शेप्स हमें नज़र आती हैं, डेटा जो है हमारे पास जो है पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। अब ये नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। डेटा की जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से बेसिकली ये डिस्कशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर बेसिकली एक शेप जो है डेटा की हमें नज़र आती है, वो शेप किस तरह की होती है, ये कर्व की फॉर्म इस नज़र आ रही है कि पहले वैल्यू ऊपर जा रही है फिर ये नीचे आ रही है। तो जो हमारे पास डेटा के अंदर स्क्यूनेस 0 होती है, स्क्यूनेस का मतलब है कि झुकाव, स्क्यूनेस शो करता है डेटा का झुकाव, कि डेटा का जो झुकाव है वो लार्ज वैल्यूज की तरफ ज्यादा है, या डेटा का झुकाव जो है वो स्मॉल वैल्यूज की तरफ ज्यादा है। लार्ज वैल्यूज की तरफ झुकाव का मतलब क्या है, कि लार्ज वैल्यूज की तरफ झुकाव का मतलब ये है कि मैं अभी यहाँ पे आपको एक डेटा, यहाँ पे मैं आपको एक डेटा जो है वो शो करता हूँ। लेट्स सपोज अब अगर हम इसी चीज़ को हम देखें कि डेटा का झुकाव की हम बात कर रहे थे, कि डेटा के अंदर स्मॉल वैल्यूज की तरफ झुकाव ज़्यादा है, लार्ज वैल्यूज की तरफ झुकाव ज़्यादा है। मैं लेट्स सपोज वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, ये वैल्यूज हैं कुछ। ठीक है, अब ये देखें कुछ वैल्यूज मैंने आपके सामने लिखी, ये डेटा आपके पास है। इस डेटा के अंदर जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल हैं, जो थोड़ी वैल्यूज़ हैं वो लार्ज हैं। तो हम कह सकते हैं इस डेटा के अंदर जो झुकाव है वो जो डेटा के अंदर जो ज़्यादा वैल्यूज़ हैं वो चूँकि स्मॉल हैं और कम हैं लार्ज वैल्यूज़, तो डेटा का झुकाव जो है वो स्मॉल वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा है। ये हमने एक एक छोटी सी जो है एक यहाँ पे हमने एक टर्म जो है एक डिस्कशन यहाँ पे हम की है डेटा के झुकाव के हवाले से। अब इसको हमने देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से इससे इफेक्ट होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम देख सकते हैं कि ये है एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम देख सकते हैं ये जो इस डेटा का मीन जो है वो 20 है, इस डेटा का मीडियन जो है वो भी 20 है, और इस डेटा का मॉड जो है वो भी 20 है। मीडियन मॉड और मीन अगर डेटा का सेम हो तो वो डेटा जो है कहलाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम नेक्स्ट आगे मैं शो करता हूँ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। ये नेक्स्ट हमें शो हो रही है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर देखें कि मीन जो है वो 700 है, जबकि मीडियन जो है वो 500 है, और मॉड जो है वो 300 है। अब ये डेटा हमें क्या शो करता है, ये जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो करती है, कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली स्क्यूड, मीन्स
सबसे पहले जो है वो इसमें पीक पहले आ गई है और टेल जो है वो हमें बाद में नजर आ रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें हाइट जो है हाई वैल्यूज पहले आ गई हैं, जो कि हम कह रहे हैं ये मॉड जो है ये पीक हमें पहले नजर आ रही है और फिर आगे हमें ये फॉल होती हुई डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। इसे हम कहते हैं कि ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अगर हम देखना चाहें तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मीन की वैल्यू जो है वो 700 है, मीन की वैल्यू 700 है, मीडियन की वैल्यू जो है वो 500 है। अब मीडियन की वैल्यू जो कि आप जानते हैं कि मीडियन की वैल्यू जो है वो मिड पॉइंट होती है, मीडियन की वैल्यूज डेटा का मिड पॉइंट होती है। ये हमें नज़र ऐसा आ रहा है कि इस डेटा में जो मीडियन के बाद जो वैल्यूज हैं वो बहुत लार्ज हैं, जो मीडियन के बाद जो वैल्यूज हैं वो डेटा की बहुत लार्ज हैं, जबकि डेटा के अंदर जो 300 है वो सबसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 300 आ रहा है, लेकिन जो मीडियन के बाद जो वैल्यूज हैं वो इतनी लार्ज हैं कि उसकी वजह से जो मीन है वो मीडियन से इंक्रीज कर गया, जो मीन की वैल्यू है वो मीडियन से इंक्रीज कर रही है। इस वजह से हम देख सकते हैं कि जो कि डेटा में मीडियन के बाद वैल्यूज बहुत लार्ज हैं जिसने मीन को इंक्रीज कर दिया। तो इस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कि ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे जो कि है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखें कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो 3000 है, जो मॉड है वो 3000, इसका मतलब 3000 जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा है, जबकि मीडियन जो है वो 2800 है। ये क्या शो करता है? मीडियन क्या शो करता है? मिड पॉइंट। अच्छा, अब इसमें मीन की वैल्यू जो है वो मीडियन से कम है, इसका मतलब ये है कि इस डेटा में ज़्यादातर जो वैल्यूज हैं वो स्मॉल हैं, इस डेटा में वैल्यूज ज़्यादातर जो है वो स्मॉल हैं, जिसकी वजह से मीन जो है वो स्मॉल वैल्यू से जो कि इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज चूँकि स्मॉल हैं तो इसलिए हमने कहा कि ये है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी होती है। शेप ऐसी होती है कि स्मॉल वैल्यूज चूँकि ज़्यादा हैं तो इसलिए शुरू में टेल लंबी होती है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है और फॉल कर जाती है, जिसका मैं यहाँ पे एरो से आपको शो कर रहा हूँ कि नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी। यही मैं आपको उसके अंदर शो करता हूँ, एमएस वर्ड की फाइल ओपन करके नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको शो कर। देखें, ये मैंने गूगल से ओपन किया है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो हमें नजर आ रही है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है नेगेटिवली स्क्यूड। देखेंगे इसमें जो है शुरू में टेल जो है वो लार्ज है, इसमें जो है शुरू में हमें एक लंबी सी लाइन नजर आ रही है जो कि शो करती है कि स्मॉल वैल्यूज ज्यादा हैं, और फिर ये ऊपर की तरफ गई और अचानक से नीचे की तरफ आ गई। इस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कि ये है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जबकि दूसरी ये नीचे भी नजर आ रही है हमें, ये अगर मैं आपको शो करूँ कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है कि पहले स्मॉल वैल्यूज हैं लार्ज, फिर अचानक से ऊपर जाती है और फिर फौरन नीचे फॉल कर जाती है। ये है शेप नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर नेक्स्ट मैं आपको शो करता हूँ ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है कि अचानक से फॉल आता है पीक पर जाके, इसकी टेल जो है वो लार्ज है, ये स्मॉल वैल्यूज चूंकि इसकी टेल जो है वो लार्ज है, इसके अंदर ये लार्ज वैल्यू से इफेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे अभी इतना ही जानना जरूरी है कि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ये शेप है। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ये इसकी ये शेप है। तो हमें सिर्फ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के जो शेप है उसमें डिफरेंस हमें सिर्फ यहाँ जानना जरूरी है अभी।